तो यार भाई लोग कैसे हो। तो स्वागत है यार आप लोग का मेरे चैनल मर्सिलेस गेमिंग में। तो यार तुम्हारा भाई एक नया गेम प्ले लेके आ गया है सीजन 14 का। तो यार इस नए अपडेट में पबजी वालों ने तंबू कर दिया है रैंगल में। हम भी वहीं उतर चुके हैं और मुझे उतरते साथ M16 और शॉटगन मिल जाती है। तो यार चलो बंदे खिलाते हैं। भाई इसे ख़त्म करते ही मुझे एक अनोखा अजीबो गरीब बंदा दिखता है। मतलब ये भाई मेरे मुंह के सामने लेट रहे थे। तो यार आगे मुझे एक आदि मानव दिखता है। ये भाई कुल्हाड़ी लेके मेरा वेट कर रहे थे। इस बंदे को ख़त्म करते ही मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। यार दो बंदे मेरे मुंह के सामने से यहाँ उतरते हैं। जो पता नहीं ये आसमान में कहाँ फंसे पड़े थे। तो यार एक्शन ख़त्म होने के बाद ये बंदे लैंड कर रहे हैं। तो इन्हें फटाफट लॉबी भेजते हैं। तो यार इसके भाई गधे यहाँ पर लेटे पड़े रह जाते हैं। बेचारे को कोई गन ही नहीं मिलती। तो यार इस दोनों बंदे को लॉबी पहुँचाते ही मेरे पे एक बंदा स्कॉर्पियन लेके रस कर देता है। देखो यार मेरे टॉमी गन में गोली नहीं बची थी तो मुझे लगा कि यहाँ गेम खत्म। लेकिन यार मेरे पे शॉटगन पड़ी थी तो यार शॉर्ट रेंज से उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यार अचानक कहीं से ये पॉट भैया आ जाते हैं तो उन्हें किल करके हम अपनी किल को बढ़ाते हैं। तो यार आगे ही मेरे भाई को एक बंदा दिखता है। तो यार मैं अपने सस्ते स्प्रे से उसे लपेटने की कोशिश करता हूँ। तो यार हमारे भाई यहाँ पे नॉक हो जाते हैं और हमारे पास एक गाड़ी पहुँचती है। तो यार उसमें एक या दो बंदे नहीं पूरी की पूरी फैमिली बैठी पड़ी रहती है। यार मैं जैसे तैसे इस गाड़ी से बचता हूँ। तो यार मैं अपना टॉमी गन निकाल लेता हूँ लेकिन उन पर कद्दू नहीं कोई असर पड़ता। तो भाई इस गाड़ी ने ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। तो यार इनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आगे देखो। यार इन्हें ख़त्म करते ही अपने भाई की तरफ हम बढ़ लेते हैं। बेचारे कब से नॉक हुए पड़े थे। तो यार वहाँ से निकल के हम पुचिंकी की तरफ बढ़ जाते हैं और मुझे यहाँ एक ऑफलाइन बंदा दिखता है। तो भाई यही होता है जब आप अपना 1.5 GB डेटा ख़त्म कर लो। तो यार इतने में ही एक गाड़ी हम पे रश कर देती है। तो यार देखते हो उसे। भाई इन दोनों बंदों को ढिला के हम लोग यहाँ लूट लाट करने लगते हैं। तो यार मैं लूट ही रहा था कि मुझे गोलियों चलने की बहुत सारी आवाज़ आ जाती है यहाँ से। ऐसा लगता है जैसे 2-3 स्क्वाड पहले से लड़ी हो। तो यार हम लोग भी चलते हैं थर्ड पार्टी करने। तो यार इतनी सारी आवाज़ें सुन के मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यार मैं अपनी बैरल निकाल के लॉन्ग रेंज में मारना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई जोश तो देखो हमारे भाई की, बिल्कुल ओपन में खड़ा होके सप्रे दे रहे हैं। यार मुझे नहीं लगता कि बैरल से कुछ उखड़ने वाला है। तो यार मैं टॉमी पे स्विच कर देता हूँ। तो यार यही होगा जब आप होश खो के ओपन में सप्रे दोगे। अब भाई मैं उसे नॉक करता हूँ और उसके टीममेट मुझे, मतलब टाइमिंग देख रहे हो। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टीममेट पीछे ही बैठे पड़े हैं। तो यार फटाफट उनसे रिवाइव मांगते हैं हम। तो यार मैं हील वील करके फ्लैंक मार के साइड हो जाता हूँ और यार आगे से दूसरे बंदे उन पर नेड कर रहे होते हैं और दोनों नॉक हो जाते हैं। और मैं फिर शर्म की तरह किल चोरी करने के लिए बिल्कुल उनके आगे बैठा था। यार इनकी किल चोरी करने के बाद हम यहाँ हील पोड़ते हैं क्योंकि इतनी टीम कहाँ कहाँ बैठी है कुछ पता भी नहीं चलेगा किधर से गोली आई और मैं नॉक हो गया। तो यार इस सप्रे को देखने के बाद अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं की है तो भाई नीला टैप कर दो, पेल के रख दो सब्सक्राइब और लाइक वाले बटन को। तो यार मैं सोचता हूँ कि उन पर रस कर दूँ लेकिन हमारे पास गाड़ी के नाम पर कद्दू भी नहीं थी।
तो यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और बंदे को नॉक कर दूँ और फिर रस करते हैं उस पे। तो यार मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि वो दोनों बंदे ठिल जाते हैं, उनके पीछे एक टीम बैठी रहती है जो उन्हें ठिला देती है। यार हम लोग बंदे की गाड़ी चुरा के उन लोगों पे रस कर देते हैं जिसने हमारी किल को कम कर दिया। तो यार मुझे लगा था कि 4-5 बंदे यहाँ बैठे होंगे, लेकिन भाई यहाँ तो देखने के बाद पता चलता है बस एक ही बंदा। तो यार जोन भैया बहुत छोटे हो पड़े थे, तो यार गाड़ी उठा के जोन की साइड भाग लेते हैं। यार मैं बंदे की तलाश में इधर उधर जा ही रहा होता हूँ कि मुझे कुछ बंदे यहाँ पे भागते हुए दिखाई देते हैं। तो यार यहाँ पे मेरी सस्ती ड्राइविंग देखो, तो यार इसकी वजह से आज मेरा चिकन छूट सकता था। तो यार जैसे तैसे करके हमारे भाई उन बंदों को ठिला के मुझे बचा लेते हैं। तो यार अब बात करते हैं इरेंगल के लास्ट बंदे की। तो भाई इस भाई को ढूंढने के लिए मुझे 10 मिनट लगी है। यार वो भाई कहीं सोए पड़े थे, कोई मार्क मुर्क नहीं। मैं यहाँ से निराश होकर निकल ही रहा था कि यार उस बंदे ने एक मार्क दे दी। तो यार आखिरकार मुझे उस बंदे की पोजीशन पता चलती है, तो यार उसे भी ख़त्म करते हैं फटाफट। भाई इस बंदे ने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तो भाई उस बंदे को देखना, कदई लेटे पड़े थे और रेंगते हुए जोन के अंदर आ रहे थे, तभी मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ। भाई लोग आज के वीडियो पे इतना ही, और यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार कदी लाइक के बटन को नीला टैप कर दो, तो भाई सपोर्ट करो अपने भाई को।